हेलो एवरीवन वन कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग दिस इज मंजीत रावत योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी क्लाउड और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूर आर्किटेक्ट कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के बारे में जिस वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे आप अपने डेटाबेस सर्विस को मैनेज करते हैं एज पोर्टल के ऊपर तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल चैनल है जो आपको 100% परसेंट लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्किप के बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए इट मीन्स दैट कि अगर आप हमारी वीडियो सीरीज को फॉलो करते हैं आप हमारी वीडियो के स्टेप को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप वो सेम प्रोजेक्ट अपने पोर्टल पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा जो एज पोर्टल पर है वो किस किस नेम से अवेलेबल है फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल देखते हैं पोर्टल को ओपन करके उसमें एक डेटाबेस क्रिएट करके कि कैसे आप इसको पूरे 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 स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन करते हैं तो सिंपल सी बात करें हैं बेसिस की अगर हम बात करें तो आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट कि डेटाबेसेस है क्या गाइज जब भी हम बात करते हैं एप्लीकेशन की जब भी हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारा डेटा होता है गाइज जितनी भी ई e कॉमर्स की वेबसाइट करंट टाइम पर चल रही है जितनी भी ई e कॉमर्स की वेबसाइट है या जितने भी डायनेमिक वेबसाइट रन कर रही है कहीं ना कहीं बैकेंड में उनके डेटाबेस से टास्क परफॉर्म करता है डेटा बेस कुछ भी हो सकता है इट में भी नो सिक्वल डेटा हो सकता है इट में भी सिक्वल डेटा हो सकता है औरकल हो सकता है पोस्ट हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट एस हो सकता है या माई हो, हो सकता है तो ये सभी जो हमारे सर्विसेज uh, हैं वो डेटाबेस से रिलेटेड टास्क परफॉर्म करती हैं हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के बारे में मीन्स जो एज अपने पोर्टल पर ऑप्शन देता है आपको क्रिएट करने का तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रैच से डेटाबेस समझने की कोशिश uh, करते हैं एज यूर सिक्वल को समझने की कोशिश करते हैं या एज योर डेटाबेस को समझने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करोगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात करें बिल्कुल स्क्रैच से बात करें तो गाइज अपने पास एज पोर्टल पे दो डिफरेंट वे हैं कि आप डेटाबेस सर्विस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक जो ऑप्शन मिलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विज के थ्रू मिलेगा दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए आप अपने डेटाबेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अब डिफरेंस जान लेते हैं किन के बीच में गैप क्या होगा कि अगर आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं किसके जरिए डेटाबेस विद इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज तो इसमें क्या करना पड़ेगा क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आप अपना डेटाबेस स्टेब्लिश करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेस राइट प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के थ्रू जो डेटाबेस इंप्लीमेंट करेंगे आप उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे तो दो स्टेप दो तरीके हैं अपने पास मैनेज करने के लिए दोनों को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मीनिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज को हम बोलते हैं मैनेजेबल सर्विसेज जिसमें यूजर यानी कस्टमर यू जो पोर्टल संभाल रहा है जो पोर्टल को मैनेज कर रहा है वो 75 फाइव परसेंट टास्क खुद से परफॉर्म कर सकता है कोई एडिटिंग हो गया है कोई नई चीज ऐड करने की बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में थोड़ा सा आसान रहता है प्लेटफॉर्म ए सर्विसेज एक कंप्लीट बना बनाया पैकेज रहता है बना बनाया आपको सर्विस रहती है जिसको हमें क्रिएट करनी रहती है और उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज के केस में क्या होगा कि इसमें एक आपको वर्चुअल मशीन मिलेगी जिस वर्चुअल मशीन को आप कहीं से भी कॉन्फिगर कर सकते हैं रैम चेंज करना हार्ड डिस्क चेंज करना एडिशनल हार्ड डिस्क को ऐड करना वो सारी चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही पॉसिबल है तो अगर आप इंफ्रास्ट्र डेटाबेस इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज से बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा वीएम प्लस एसकी वल दो चीजें इन्वॉल्व करनी पड़ेगी वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी उस वर्चुअल मशीन के ऊपर जो सिक्वल होगा वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहेगा बट यू शुड नो कि वो ऑप्शन वो स्टेप कौन सा रहेगा जिसके जरिए हम आ, इस एसक्यूएल सर्वर को क्रिएट करेंगे वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे अभी हम सिर्फ डिफरेंस जानना चाहते हैं कि इनके बीच में गैप क्या है इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज के थ्रू जो डेटाबेस बनाते हैं उसमें क्या फैसिलिटी रहती है और अब प्लेटफार्म एज सर्विसेज के थ्रू जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या सर्विसेज आपको मिलने वाली हैं तो कहीं ना कहीं अगर हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात करें तो इसमें एक सर्विस होती है एज ऑर सिक्वल के नाम से जब आप एज ऑर सिक्वल आप इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए तो आपको सिंपल से कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप फॉलो करने के बाद आपके पास डेटा एज ऑर सिक्वल क्रिएट हो जाएगा और उस एज सिक्वल को आप अपने किसी भी मैनेजमेंट स्टूडियो के जरिए कनेक्ट करके उसमें टेबल स्कीमा उसके अंदर टेबल्स या डेटा अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं तो दोनों दो स्टेप दो देखेंगे पहले लेकिन अभी हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं वो एसक्यूएल बेस देखने वाले हैं विथ इंफ्रास्ट्रक्चर एज एस सर्विसेज तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल सबसे पहले हमें पोर्टल ओपन कर लेना है और पोर्टल पे हमें ओपन करना है क्या एसक्यूएल विथ वर्चुअल मशीन क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एजेस सर्विसेज का पार्ट देखने वाले हैं पूरी की पूरी वीडियो सीरीज में चलिए सबसे पहले हम लॉग करा लेते हैं अपना एजूर का पोर्टल तो यहाँ पे ये यह अपने पास एज पोर्टल ओपन हो गया है यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं वर्चुअल मशीन प्लस एस क्यू मीन्स जो वीएम आपके क्रिएट होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं एस क्यू का पार्ट रहेगा जिसके ऊपर आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं आप उस अपने सिक्वल सर्वर को किसी भी वेबसाइट से किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट कोई अप्लीकेशन आपने इम्प्लीमेंट किया है उसी अपलीकेशन के साथ डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है आपको जाना है वर्चुअल मशीन पर जैसे ही आप पोर्टल ओपन करते हैं कंप्यूटर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद वीएम वाले ऑप्शन पे जाकर के क्रिएट वीएम पे प्रोसीड कर देंगे जब आप क्रिएट वीएम पे प्रोसीड करेंगे थोड़ा सा गैप करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो आई एस इमेज आप सेलेक्ट करेंगे जो टैम्पलेट ऑफ वर्चुअल मशीन आप सेलेक्ट करेंगे उसमें हम थोड़ा सा एक पार्ट आउट ऐड करेंगे एसक्यूएल की हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने वाले हैं तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है वीएम को क्रिएट करने

सी आल इमेजेस पे जाइए और जो आपके पास सर्च पैनल आएगा जो इमेज के जो आई जो आपके वर्चुअल मशीन के जो टैम्पलेट रहेंगे उसमें से आपको सिर्फ ये सेलेक्ट कर देना है कि जो हम वीएम क्रिएट कर रहे हैं उसमें एस पहले से इंस्टॉल होना चाहिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एस सर्वर ठीक है एस सर्वर 2012 या जो भी आप सर्वर लगाना चाहते हैं आप उसका नाम दे करके मार्केट प्लेस से सर्च करा लेंगे जो कि आल इमेजेस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिलेगा हमें आप देख रहे हो उतु सर्वर पे आप क्रिएट करना चाहते हैं विंडोज सर्वर पे आप क्रिएट करना चाहते हैं आप देखिए पे लिस्ट आ गई BYO, bring your own license. अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है तो आप उसको साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे इसको क्रिएट करने वाले हैं सिक्वल सर्वर सर्विस पैक फोर ओवर आ सर्वर ट्वेंटी ट्वेल्व आर टू तो कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं सेलेक्ट करने के बाद इमेज सेलेक्ट करने के बाद अगला जो स्टेप आता है वो कॉन्फिग्रेशन का होता है कि आप अपने इस वर्चुअल मशीन के अंदर जिसमें सिक्वल ऑलरेडी इंस्टॉल है उसका कॉन्फिग्रेशन क्या रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं विद कैपेसिटी ऑफ एट गी रैम टू कोर सी क्योंकि थोड़ा सा हाई कॉन्फिग्रेशन रहेगा तो जो परफॉर्मेंस रहेगा डेटा का वो बहुत ही स्मूथ uh, चलेगा नेक्स्ट सेम प्रोसीजर वेब यानी हमारा यूजर नेम हो जाएगा और पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं यहाँ पे हमने नॉर्मल पासवर्ड रख लिया जो वर्चुअल मशीन का आपको एक्सेस करना है आरडीपी के जरिए तो सिंपल सा हम पासवर्ड कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं क्लाउड एट वन टू थ्री जो भी है आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग नेक्स्ट पोर्ट नंबर थ्री थ्री एट नाइन जिससे आप आरडी पी एक्सेस कर पाओ नेक्स्ट करेंगे डिस्क का ऑप्शन आएगा प्रीमियम डिस्क हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं अगर आप यहाँ पे मोर देन वन हार्ड डिस्क का सेलेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं लेकिन अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है नेक्स्ट करते हैं नेटवर्किंग ऑप्शन अगर आपने खुद का बीपीसी क्रिएट कर रखा है तो दैट्स रियली गुड अगर आप नॉर्मल प्रोसीड करना चाहते हैं डिफॉल्ट बीपीसी के साथ तो आप प्रोसीड कर लीजिए नेक्स्ट करते हैं मैनेजमेंट पे मैनेजमेंट के केस में कुछ सिक्योरिटी का ऑप्शन प्रोवाइड होगा लेकिन हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं नेक्स्ट करते हैं अगेन ये आपका एडवांस पैनल एडवांस के बाद आपका सिक्वल सर्वर सेटिंग सिकवल सर्वर सेटिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नंबर ऐड होगा और साथ ही साथ आप सिक्वल की जो कनेक्टिविटी करना चाहते हैं लोकली करना चाहते हैं मीन्स पोर्टल पे ही करना चाहते हैं या अपने ऑन प्रोमाइसिस पे तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा पब्लिक इंटरनेट कर देंगे जिससे आप अपने एस सर्वर यानी वन फोर थ्री थ्री जो लॉजिकल पोर्ट है वो आपका ऑन प्रोमाइसिस में रखे हुए सर्वर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सके या जो आपका अप्लीकेशन सर्वर रन कर रहा है ऑन प्रोमाइसिस पे उसको आप जोड़ना चाहते हैं तब भी हम यहाँ पर कनेक्टिविटी कर लेंगे अगर आपने पब्लिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो कुछ भी नहीं करना है आपको नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद हमें इसको कर देना है क्रिएट तो लाइक एज अ नॉर्मल वर्चुअल मशीन आपने क्या किया पूरा स्टेप फॉलो किया बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब आप एस का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें पब्लिक कर दीजिए ताकि आप अपने एस सर्वर को किसी भी लोकेशन पे बैठकर इंटरनेट के जरिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके सिंपल सा क्रिएट करेंगे तो जो टाइम लेता है आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट होने में सेम उतना ही टाइम लगेगा आपका ये एस क्यूएल प्लस वी एम क्रिएट होने में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज का एग्जांपल है तो चलिए प्रोसीड कर देते हैं ये क्रिएट हो रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसे ही हमारा ये वी एम क्रिएट होता है हम अपने डेटा बेस को अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इसमें खुद का डेटा बेस बनाते हैं कैसे आप इसमें टेबल क्रिएट करते हैं कैसे आप अपनी एक्टिविटी को फाइनल करते हैं

तो अब जैसे ये क्रिएट होगा हम इसका आर एक्सेस करेंगे आर एक्सेस करने के जस्ट बाद हम देखेंगे कि इसमें जो डेटा है वो आ, उसमें आ, आ, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसमें हम डेटा कैसे बनाते हैं एक एक स्टेप देखने वाले हैं बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ये बी क्रिएट होने में तीन से चार मिनट का टाइम लगेगा और जैसे ही हमारे बी क्रिएट होगी हम आगे के प्रोसीजर पर प्रोसीड करेंगे सेकेंड गाइज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट लग रहा है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ लेट मी नो आप कमेंट ड्रॉप करिए डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन uh, है या आपका जो सजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम टास्क परफॉर्म करें उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करें तो कहीं ना कहीं पूरे इन्वायरमेंट की बात करें जो डेटाबेस एजल डेटाबेस जो एज पे हम बनाने वाले हैं तीन से चार वीडियो आपको मिलने वाली हैं मेन सब कोशिश करेंगे कि डेटाबेस से रिलेटेड आपके सभी प्रॉब्लम को सभी क्वेश्चन को दूर करें क्योंकि यू नो दैट कि एस क्यूएल डेटाबेस आप ऑनप्रोमाइज पर कॉन्फिगर करते हैं और उसको अपने वेब वेब एप्लीकेशन वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर से आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो आपके डेटाबेस इंजीनियर उस पर टेबल बनाए जो आपका डेटाबेस बनाए वो आपका रिफ्लेक्ट कर सके आपके डायनेमिक वेबसाइट पे या जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उस पे वो रिफ्लेक्ट कर सके तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं ऑलमोस्ट हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है तो जैसे ही फाइनल होता है जैसे हमारी वी एम हम रेडी होती है हम इसको कनेक्टिविटी लेंगे उसका कनेक्शन लेंगे आर डी पी के जरिए और आर डी पी के बाद हम उसमें मैनेजमेंट स्टूडियो वगैरह जो भी ऑप्शन मिलेगा जो भी हमारा सर्वर पे सर्विस रहेगी डेटा बेस रिलेटेड वो सभी हम टास्क परफॉर्म करने वाले हैं तो गाइस कहीं ना कहीं एजियोर के पोर्टल पे अगर हम डेटाबेस सर्विसेज को मैनेज करते हैं तो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो आप मेंटेन करने का काम करते हैं ऑन ऑनप्रोमाइसिस पे उससे कहीं ना कहीं बच जाएंगे साथ ही साथ आपके पास बैकअप का ऑप्शन मिलेगा फेल ओवर का ऑप्शन मिलेगा डिजास्टर रिकवरी आप कॉन्फिगर कर सकते हैं लोड बैलेंस कर सकते हैं क्लस्टर बना सकते हैं तो वो सभी एक्टिविटी जो ऑन ऑनप्रोमाइस पे करते हैं उससे कहीं ज़्यादा टास्क हमें कहीं ज़्यादा सर्विसेज कहीं ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं हमें जब हम अपनी चीज़ों को जब हम अपने डेटाबेस को स्पेशली बात करें एज पोर्टल के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं जैसे हमारा वी क्रिएट होता है फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा तीन से चार मिनट का तो गाइज आप वेट करेंगे थोड़ा सा उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने आरडीपी वाले पैनल पे और डेटाबेस क्रिएशन पे चलिए अपने पास जो वर्चुअल मशीन उन्होंने प्रोसीड किया था विद सिक्वल वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है हमें क्या करना है गो टू रिसोर्सेज पे जाना है और इस वीएम को कनेक्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ आर तो चलिए यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस को आप कॉपी कर लीजिए पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करने के बाद जो भी आरडीपी टूल आप डाउनलोड कर रखे हैं या जो भी आपने आ, आप अपने पास वे है आरडीपी कनेक्ट करने का आप कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करने के बाद हम देखने वाले हैं कि कैसे इसमें डेटाबेस को मैनेज किया जा सकता है तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है जो हम फॉलो करने वाले हैं एज योर वेब टू इसमें पब्लिक आई पी करनी है यूजर आई एंड पासवर्ड जो भी आपने यूज किया है वेब यूजर था पासवर्ड हमने वही कॉन्फिगर किया है कॉमन पासवर्ड और आप इसको कर देंगे कनेक्ट फाइन तो जैसे यह कनेक्टिविटी फाइनल होती है ये हमारा जो सिक्वल वी है वो कनेक्ट होता है उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप की तरफ डन हमने सक्सेसफुली अपने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट क्रिएट की की थी VM जो create की थी जो के साथ उसका आरडीपी एक्सेस कर लिया है हमें सिर्फ करना है ये कि इसका मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करना है आप सर्च पे ओपन स्टार्ट पे क्लिक करिए मैनेजमेंट स्टूडियो ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये मैनेजमेंट स्टूडियो का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्लिक करना है हमें जो एक्टिविटी आप कॉन्प्रोमाइस के सिक्वल डेटाबेस पे कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारी एक्टिविटी आप एज की वर्चुअल मशीन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें हैं हे सेपरेटली इसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप वी को क्रिएट करते समय जो सिलेक्शन किया था हमने टैम्पलेट का उस टैंपलेट के अकॉर्डिंग अपनी जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही एस सर्वर जो है सर्वर ट्वेंटी जो आपने सेलेक्शन किया था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल है तो ये हो गया अपने पास एज वर्चुअल मशीन के अंदर डेटाबेस को कॉन्फिगर करना मींस पहले टॉपिक की बात करें तो एज SQL को हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज जैसे ही हमारा मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन होता है हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं तो सिंपल ज़ाहिर सी बात है हम लोकल में कनेक्टिविटी देना चाहते हैं इस वजह से कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे कोई भी ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और ये आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देगा डेटाबेस है सिक्योरिटी है ऑब्जेक्ट सर्वर ऑब्जेक्ट है रेप्लीकेशन है मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर जो सर्विसेज uh, uh, रहती हैं वो सारी सर्विसेज uh, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है अब अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो सिंपल से आप राइट right क्लिक करेंगे डेटाबेस के ऊपर और न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे जो भी नाम आप प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने डेटाबेस का सिंपल सा यहाँ पे नेम प्रोवाइड कर देंगे तो हम यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं एज योर सिक्वल ये अपने पास डेटाबेस का नाम हो गया आप ओके तो okay पे क्लिक करिए नया डेटाबेस आपका रेडी हो चुका है डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हैं और ये सभी ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेगा जो भी डेटाबेस के अंदर होते हैं वो चाहे टेबल्स हो वो चाहे आपके व्यू का ऑप्शन दिखाई पड़ता हो चाहे स्टोरेज की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें वो सारी सर्विसेज आपको मिल जाएगी टेबल पे राइट right क्लिक करोगे तो आपको नई टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे सक्सेसफुली दिखने लगेगा अब इस न्यू टेबल में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं जो भी आप एंट्री प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सभी एंट्री आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं तो हम यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री ऐड कर लेते हैं ट्रेनिंग एस योर यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ऑनलाइन ठीक है न तो ये आपने सेलेक्ट किया सेब पे क्लिक करिए आपका डेटाबेस जिस भी नेम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं वो नेम मेंशन करिए एंड क्लिक ओके डन सक्सेसफुली हमने क्या किया एक डेटाबेस एक डेटाबेस क्रिएट किया उस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया है एजुर के नाम से एंड नाउ डी वी ओ डॉट एज के नाम से टेबल हमारी रेडी हो गई है तो गाइज़ जो एक्टिविटी हम ऑन कॉन्प्रोमाइजेज़ पे करते थे वो सेम एक्टिविटी हम एज पोर्टल पे करेंगे इसका बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इसमें हार्डवेयर चेंजेस आप विद इन सेकेंड हार्डवेयर चेंजेस कर सकते हैं बैकअप क्रिएट कर सकते हैं फेल ओवर बना सकते हैं इसका डिजास्टर रिकवरी कॉन्फिगर कर सकते हैं ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी किसपे एजोर की वी एम पे जो भी आपने डेटाबेस बना रखा है तो गाइज़ ये पहला वीडियो था ये पहला टॉपिक था एज डेटाबेस सर्विसेज का ए जी वन जीरो थ्री पे और ए जी थ्री जीरो थ्री पे और गैस उम्मीद है कि हमें सभी स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन लगता है तो यू कैन आस्क डायरेक्टली आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं तो डन आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो पे और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम ऑन प्रोमाइसिस के डेटाबेस को एजूर पोर्टल के डेटाबेस सर्विस से अटैच करते हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं क्योंकि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के जरिए था नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म एज एस सर्विस के थ्रू कैसे आप डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करते हैं और बाय बाय गाइज